ग्रामीण खबरों के लिए देखते रहिए बीएनपी न्यूज लाइव लेटेस्ट चैनल ऑफ ऑनलाइन मीडिया। विषय है कि आज हम बेहतर व गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष में इस प्रांगण में उपस्थित है। माँ सरस्वती के इस आप सभी का मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान झूमर लाल जी गहलोत, भूतपूर्व आरआई साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान हनुमान जी राठौर। मैं विद्यालय के संस्था प्रधान श्रीमान महोदय का साफा पहनाकर स्वागत कर हम जिस देश के वासी हैं वहाँ अतिथि देवो भव, अतिथियों को देवता के तुल्य माना, कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत। मेहमानों की कड़ी में हम सबके बीच में उपस्थित है श्रीमान सुखराज जी शर्मा, ताराचंद जी भवरिया, श्रीमान ओम प्रकाश जी जीनगर, अगली कड़ी में श्रीमान जगदीश जी टाप, अगली कड़ी में बहादुर सिंह जी, हम सबके बीच में पत्रकार महोदय, क्षमा चाहती हूँ, और पुष्प अर्पित कर साधना करते हुए हम सब के बीच में उपस्थित है श्रीमान रफीक जी कृषि, स्वागत की इस कड़ी में हम सब के बीच में उपस्थित है श्रीमान, हम सब के बीच में उपस्थित है जैसा कि हम सबको विदित है कि इस समय पूरा विश्व कोरोना नाम की महामारी से जूझकर उभरने के दौर में चल रहा है, इसी कारणवश समारोह की महोदय है उनसे निवेदन करती हूँ कि हम सबको अपने अमृत वचनों से लाभान्वित चर्चा करूंगी। पिछले गणतंत्र दिवस को इस विद्यालय के प्रवेश द्वार के लिए श्रीमान शेर सिंह जी मेडेतिया द्वारा घोषणा की गई थी, तो उनसे भी अनुरोध है कि यहाँ जिक्र किया था, तो एक वर्ष का समय हो गया, जो हमारी आवश्यकताएं थी उनमें हमें अभी तक संतोष नहीं मिला है। तो अध्यक्ष महोदय हनुमान सिंह जी और विद्यालय स्टाफगण, ग्राम के बोलने का मैं आदि तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दो शब्द कहते थे हम,
क्योंकि ये कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष मतलब विद्यालय में फंक्शन होने में कुछ कमी नजर आ रहे हैं। हाँ, और ये बहत्तरवां गणतंत्र दिवस है, बड़ी खुशी की बात है, हम सबको लाभान्वित किया। अब मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान हनुमान सिंह जी राठौर महोदय से निवेदन करती हूँ कि अपने अनुभवों और आशीर्वाद से हमें लाभान्वित करवाएं। श्रीमान हनुमान सिंह जी राठौर। प्रिंसिपल साहब और सम्मानित मंच और ग्राम से पधारे हुए हमारे सभी ऊर्जक और सभी बच्चों, मैडम जी ने अभी काफी चीजें की डिमांड की है, परंतु इतनी डिमांड तो हमारी पंचायत की तरफ से नहीं हो सकती है, परंतु कुछ न कुछ मैं अभी पंचायत का प्रतिनिधि होके तो कुछ न कुछ मैं कहना चाहता हूँ। इसमें मेन तो अपने जो पांच रूम है ना, जो अपने जो ये जर्जर अवस्था में है, उसका पंचायत की तरफ से अपन निर्माण करा के इनको कंप्लीट करेंगे। और रहा सेकंड, जो अपने अभी मैडम जी ने बोला था कि ये मैदान है, ये ऐसा पड़ा है, तो उसके लिए ये झाड़ी आड़ी साफ करके और उस विस्तार से अपन उसका काम कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। निवेदन है, मैं ये अपने लिए नहीं, इस गांव की ही प्रतिभाओं के लिए है, क्योंकि एक विद्यार्थी या एक व्यक्ति अगर परिवार में सरकारी सेवा में सेटल होता है तो वह पूरा परिवार उसके पीछे सेट हो जाता है, तो वह यहाँ के बच्चों के लिए स्थायी सुविधा होगी और उनका भविष्य बेहतर बनाने के लिए व्यवस्था रहेगी। श्रीमान दयाल राम जी, माँ शारदा के चरणों में नमन। बहत्तरवे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पधारे हुए समस्त ग्रामीणजनों को हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। मंचासीन गहलोत साहब, सरपंच साहब बुरुंदा हनुमान सिंह जी और गांव से पधारे हुए समस्त ग्रामीणजनों का मैं हृदय की अकल गहराइयों से इस पावन अवसर पर आपने विद्यालय परिवार में पहुंचकर जो हमें मान सम्मान दिया और आपने समय निकाला, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आपका आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने विद्यालय में पहुंचकर हमें गौरवान्वित किया। जैसा कि यहाँ सरपंच साहब ने अभी बताया, मैं चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत चाहे तो राजकीय विद्यालयों की तो पूरी दशा ही बदल दे। हाँ, कुछ क्राइटेरिया होता है, लेकिन फिर भी ये बोरुंगा जो ग्राम पंचायत है बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ कोष का कोई कोई कम्युनिटी होती है और ग्राम पंचायत चाहे तो बहुत कुछ राजकीय विद्यालयों के लिए कर सकती है, क्योंकि ये बहुत मैंने जो रिपोर्ट जो देखा है उन सब का ये सीनियर विद्यालय है, तो उस समय की बिल्डिंग बनी हुई है, तो भवन की अति आवश्यकता है। बच्चों के छोटे बच्चों को बिठाने के लिए मैंने देखा है इस साइड में बैठना पड़ता है, जो कि किसी भी स्थिति में बैठने लायक नहीं है। हालांकि आजकल वास्तविकता देखी जाए, कोई समय था सरकार स्कूलों के लिए खुद कुछ नहीं करती थी, गांव के लोग ही भवन बनाते थे और बना बना के बच्चों के लिए तैयार करते थे। आज की स्थिति यह है, वास्तव में आप ग्रामीणजनों से कहना चाहूंगा, जिन लोगों के पास देने को है उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं विद्यालय, और जिनके पढ़ते हैं उनके पास देने को नहीं है। हकीकत हो रहा है ऐसा ही,
कुछ हो सकता है, अपन चाहे कमी हर स्तर की होती है, भी पूरी तरह से कोशिश करती है, तो पद भी रिक्त नहीं रहते हैं, पद भी ज्यादातर भरे हुए रहते हैं, तो शिक्षक का काम है पढ़ाने का, बिल्कुल पढ़ाते हैं। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अभी मैंने 7 जनवरी को ही मैंने यहाँ पर कार्य ग्रहण किया है, और मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं पूर्ण रूप से 100% इस विद्यालय को देने की कोशिश करूंगा, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, ये कोई भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं होगी, और आगे होकर के जो भी कार्य होंगे मैं कोशिश करूंगा सरपंच साहब से मिलकर के विद्यालय में। मूल चीज तो ये है, मुझे स्टाफ साथियों ने बताया कि छत जो है खराब हो रही है और टपकती है, तो बरसात के मौसम में मान लो को अभी तो कोरोना की कंडीशन चल रही है, लेकिन हमेशा ये दिन थोड़े रहेंगे, कुछ अच्छा भी होगा तो जरूरी नहीं है सरपंच साहब ग्राम पंचायत से कुछ हो, ग्रामीण जनों से मैं बिल्कुल स्कूल के लिए झोली लेकर के निकलने को तैयार हूं, और मेरे साथ ग्रामीण गांव के प्रभु जन चले, और कई यहां गोरुंदा इतना बड़े जगह है, यहाँ एक एक आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं गोटन रहा हूँ 9 साल, और आप हरमान सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा, नारायण सिंह जी राठौर साहब 10 साल सरपंच रहे हैं वहाँ पे गोटन, और हमेशा आगे होकर के वो कैसा भी कार्यक्रम होता वो खुद बता देगा, आज सर ये इन लोगों को बुलाना, इनको सम्मानित करना, ऐसा करना, इनसे वो खुद मैनेज करते हैं, उनसे कुछ भी स्कूल के लिए करवा दे। तो मैं सरपंच साहब से निवेदन करूंगा, आप इस गांव के मुखिया हैं, और आप लोग आपके साथ मिल करके मैं विद्यालय विकास हेतु पूरी कोशिश करूंगा, और आप लोग मेरा सहयोग करें, धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग, वो भी शैक्षिक दृष्टि से तो वो अपना दायित्व अर्पित कर ही रहे हैं, उसके लिए हमें सरकार मेहनताना देती है, उसके लिए हम किसी के यूं एहसान को नहीं मान सकते, लेकिन हमने हमारी छोटा सा उदाहरण दिया, सभी स्टाफ के सदस्यों ने मिलकर के यहाँ एक कक्ष का निर्माण करवाया है, तो आर्थिक शैक्षिक ही नहीं आर्थिक दृष्टि से भी हम यहाँ बच्चों के विकास के लिए जुड़े हुए हैं। ये हमारा दूसरा घर, परिवार के बाद में कर्मस्थली ही हमारा घर है, और इस घर परिवार के लिए हम 24 घंटे चिंतन और मनन में लगे रहते हैं, जितना प्रयास होता है उससे कुछ अधिक करने की